ये सोशल डिस्टेंस का मामला है और ये सोशल कर्फ्यू भी है, सामाजिक कर्फ्यू है, ये कोई दंगाई कर्फ्यू नहीं है मोदी जी। लेकिन पुलिस कर्मी जिस तरीके से इस देश के लोगों को, जो जिनकी जो ट्रेनें जिनको जिनके पास अपने घर तक जाने के लिए ट्रेन रेल यात्रा नहीं उपलब्ध हो पा रही, जिनको बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिनको खाना पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको जिस तरीके से लाठियों से पीट रही है मोदी जी, ये अन्याय और अत्याचार है। आप जनता से मिलते हैं और कहते हैं कि रात को 12 बजे सब कुछ लॉन्ग आउट कर दिया जाएगा, और जो धनवान लोग हैं जिनको जहाजों पर यात्रा करनी होती है उन सब के लिए 25 तारीख तक डोमेस्टिक घरेलू जहाजों की उड़ानों का सिलसिला जारी रखा। लॉकडाउन करने से हमारे देश में कोरोना वायरस की ना तो चेन को रोका जा सकता है और ना कोरोना को हराया जा सकता है। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने देश को लॉन्ग आउट करने के बाद देर आए दुरुस्त आए कि पर चलते हुए जब हम सब लोगों ने सवाल खड़े किए तो देशवासियों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए 1,70,000 करोड़ का बजट का आवंटन कर डाला। वो बजट में क्या है, किसानों को जो 6,000 रुपये सालाना का देना है उसमें से 2,000 रुपये की किस्त अदा कर दी जाएगी। हमारे देश में जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर आवंटित किए गए हैं वह अगले 3 महीने तक देश में उज्ज्वला योजना के तहत सबको फ्री सिलेंडर देने की योजना है। हमारे देश में विधवाओं को, विकलांगों को और वृद्धों को जो पेंशन दी जाती है उसमें 1,000 रुपये इजाफा करने की बात की गई है। हमारे देश में जो राशन कार्डधारी हैं उन सब के लिए 5 किलो गेहूं या चावल के साथ साथ में 1 किलो दाल के साथ भी तय कर दिया गया है। और हमारे देश में निर्माण मजदूर के काम में जुटे तबके के लिए 31,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना पैसे का इजाफा मोदी जी ने किया है या जो पहले से चला आ रहा था उनमें से कुछ और। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं मोदी जी आपको कि आप देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि यह सवाल बहुत बड़ा था। अब हम दूसरा बात करते हैं, इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा किस प्रकार का इस सरकार का मन है, मत है देश में निर्धन और संपन्न तबके के लिए। इसको जानने के लिए मैं आपको तो क्रोनोलॉजी बताता हूँ। राजधानी दिल्ली में तय होता है भारत में रेल और बसों का प्रचलन 23 तारीख से बंद कर दिया जाता है। 23 तारीख को मोदी जी जनता से मिलते हैं और कहते हैं कि रात को 12 बजे सब कुछ लॉन्ग आउट कर दिया जाएगा, और जो धनवान लोग हैं जिनको जहाजों पर यात्रा करनी होती है उन सब के लिए 25 तारीख तक डोमेस्टिक घरेलू जहाजों की उड़ानों का सिलसिला जारी रखा। मैं ये बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूं कि ये मैं पहले बोल चुका हूं, देश और दुनिया इस समय त्राही माम कर रही है जिस कोरोना वायरस से। उस कोरोना के विषय वायरस के विषय में पहली बार 30 जनवरी को पुष्टि हो चुकी थी हमारे भारत में, केरल में। लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल भी उस तरफ अपना ध्यान नहीं लगाई। उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको आपातकाल घोषित कर चुका था। और दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं 11 मार्च की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 11 मार्च को पूरे संसार में इसे महामारी घोषित कर दिया था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तब भी भारत की सरकार से लेकर दिल्ली सरकार ने इसकी तरफ कान नहीं लगाए। अब इस पूरे प्रक्रिया पे हमको समझना पड़ेगा अचानक ऐसा वो क्रोनोलॉजी क्या थी कि राजधानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार तय करती है कि 23 मार्च को हम लोग विधानसभा का सत्र का आयोजन करेंगे। यह किसने तय किया, और उसी दिन तय होगा हमारे संसद का सत्र का आखिरी दिन, और उसी दिन उजाड़ा जाएगा शाहीन बाग में 100 दिन से ज्यादा चल रहे माओ के धरने को, और उसी दिन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर पाएंगे शिवराज चौहान। ये चारों की पटकथा कैसे लिखी गई थी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं। सच में यदि कोरोना वायरस का इतना बड़ा भय था तो क्या कारण है मोदी जी,
कि आपने 30 जनवरी को जब इसे आपातकाल घोषित किया गया था तब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तब आपने ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी? आपने कहा 16 तारीख को कि 16 तारीख से 50 ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन 11 मार्च को आप चुप रहे जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। इसलिए मैं आपके माध्यम से 2-3 सवाल ये करना चाहता हूँ। क्या मोदी जी अपने हृदय पर हाथ रख के आप हमें बताइए कि हाउस अरेस्ट करके पूरे भारत को जेल में तब्दील करके और पूरे भारतवासियों के लिए आप राशन पानी की व्यवस्था की बात करके कैसे कोरोना वायरस से मुक्ति पा सकते हैं? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मोदी जी, कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन मात्र आखिरी जरिया नहीं है, इससे एक कदम आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। वो ये कि आपको जमीनी स्तर पर भारत में एक एक घर में जा करके लोगों की जांच पड़ताल हो सके वो मैकेनिज्म ढूंढ तैयार करना पड़ेगा, जिससे ये पता लग सके कि भारत में कौन कौन परिवार के लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी हमारे दिल्ली, राजधानी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चला रहे डॉक्टर कोरोना के प्रभाव में आ चुके हैं। हमारे राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चला रहे डॉक्टर की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। मैं यह सवाल इसलिए करना चाह रहा हूं, हमारे देश में और दुनिया में यह कहा गया है कि कोरोना वायरस का जो चेन तोड़ने के लिए और कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ लॉन्ग आउट काफी नहीं है, एक उसकी जांच पड़ताल करना और दो कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है उसको एकांत में रखने की व्यवस्था। अब मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी, जब आपके पास ऐसा कोई जांच प्रक्रिया का तरीका नहीं है, कोई इजाद आप नहीं करा पाए, आप लेबोरेटरियां नहीं बढ़ा पाए, वो व्यवस्था आप नहीं करा पा रहे हैं कि भारत में सभी लोगों की कायदे से जांच हो सके और पता लग सके कि भारत में कौन कौन लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, ये जांच करने का मैकेनिज्म भी आपके पास नहीं है। और इसके अलावा भारत में 70% आबादी के पास रहने के लिए एक ही कमरा होता है, उस एक कमरे में वह पीड़ित व्यक्ति भी रहेगा, अगर वो महिला है तो उसका पति और बच्चे रहेंगे, बच्चा है तो उसके माता पिता और भाई बहन भी रहेंगे, मतलब एक ही कमरे में सबको रहना है। ऐसी दशा में हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना की चेन कैसे तोड़ पाओगे और कोरोना के संक्रमण से को कैसे खत्म कर पाओगे, एक सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बेघर लोगों के कैंप में 3-3, 4-4 हज़ार लोग इकट्ठा बेबस, जो जिनके रोजी रोटी सबको छिन चुका है, भूखे प्यासे लोग, मतलब मैं ये कहूं सीधे शब्दों में कि भूख के आगे कोरोना का वायरस का भय खत्म हो चुका है। 3-3, 4-4 हज़ार लोग एक जगह बैठ करके जो सोशल डिस्टेंस का मामला है, डिस्टेंसिंग का मामला है, उसको खारिज करते हुए बेबस हैं भोजन करने के लिए। और तो मोदी जी कैसे, दूसरा सवाल, 70% भारत में एक ही कमरे में परिवार रहते हैं, तब कैसे कोरोना की चेन और कोरोना संक्रमण के प्रभाव को, विस्तार को रोका जा सकता है? और दूसरा, भूख के कारण बेबस लोग हजारों की संख्या में एक एक जगह जुट कर खाना खा रहे हैं, तब कोरोना के संक्रमण के विस्तार को रोकने का तरीका क्या हो सकता है? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, काश फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि आपको राष्ट्र धर्म का फर्ज निभाते हुए आप देश में बैंक डुबोने से लेकर विपक्ष की सरकारों को गिराने तक और बैंक डुबाने से लेकर के बैंक के डकैतों को भगाने तक और बैंक डुबाने से बैंक डकैतों को भगाने से लेकर के अगर आप विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए व्यस्त नहीं होते तो निश्चित तौर पर 30 जनवरी के बाद आप जो अब किए हैं वो तब कर चुके होते। और भारत में इस तरीके से कोरोना की चपेट में पूरा भारत का सबसे बड़ा वो तबका जो आज रोजी रोटी और उससे मोहताज हो गया और एक एक दाने के लिए तरस रहा है, वो सब लोग कोरोना के भय को, भूख के भय से कमजोर नहीं मानते, मानने के लिए विवश नहीं होते। और इसके अलावा ये सोशल डिस्टेंस का मामला है और ये सोशल कर्फ्यू भी है, सामाजिक कर्फ्यू है, ये कोई दंगाई कर्फ्यू नहीं है मोदी जी,
लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरीके से इस देश के लोगों को जो जिनकी जो ट्रेनें जिनको जिनके पास अपने घर तक जाने के लिए ट्रेन रेल यात्रा नहीं उपलब्ध हो पा रही, जिनको बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिनको खाना पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको जिस तरीके से लाठियों से पीट रही है मोदी जी, ये अन्याय और अत्याचार है। आप मुझे बताइए, भारत का वो मजदूर, वो तबका जो आज जिन फैक्ट्रियों में काम करता था, जिस निर्माण क्षेत्र की जगह पर काम करता था, वहाँ लोग रहने नहीं दे रहे हैं, उनके पास खाना पाने की व्यवस्था नहीं है, और गांव तक जाने के लिए उनके जो जाने आने के रेल और बसों की सेवा है उसको आपने बंद कर दिया, वो पैदल चलने के लिए व्यवस्था है, और जहाँ जहाँ पुलिस उनको देख रही है, कई जगह पुलिस उन पर लाठियाँ बरसा रही है। मोदी जी, यदि आप उन मजदूरों को खाने और रहने की व्यवस्था नहीं कायम रख पाए तो कम से कम उनको उनके गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था तो कर देते। और आखिरी सवाल मेरा यह है, जब राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में उपचार करने वाला डॉक्टर और उसका परिवार कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, देश के सबसे बड़े सूबे लखनऊ में उपचार करने वाला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, तब ऐसी दशा में देश में जिस तरीके की भगदड़ आपने डर पैदा करके लोगों में फैलाई है, और काश ये कोरोना वायरस गांव तक ना पहुंचा हो, लेकिन अगर कोरोना वायरस गांव तक पहुंच चुका होगा तो मोदी जी उसकी जांच पड़ताल और बचाव के तौर तरीके क्या होंगे, जिस तरीके से लेबोरेटरियों का आपके पास देश में अभी तक की व्यवस्था है उसमें 137 करोड़ आबादी की जांच करने के लिए कई सौ वर्ष लग जाएंगे इसलिए। और दूसरी बात, ये जो राजधानी दिल्ली में ये हजारों लोग इकट्ठा भोजन करके कोरोना के संक्रमण को फैलाने का जरिया बन सकते हैं, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, सरकार के तरफ से जो मैकेनिज्म होगा लोगों के पास राशन पहुंचाने का, तमाम पहुंचाने की प्रक्रिया जटिल और लंबी होगी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे देश में जो स्थानीय स्तर पर जहां जहां दुकानें हैं, जहां दुकानें मौजूद हैं, छोटी छोटी दुकानें गली मोहल्ला में जो दुकानें हैं, जहां से अब तक कोरोना के भय से और देश को लॉकडाउन करने से पहले से मजदूर का परिवार और मजदूर स्वयं राशन लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते रहें, मैं चाहता हूं कि आप उन सब छोटे बड़े दुकानदारों को साथ लेकर के ताकि व्यवस्था इतनी सरल हो जाए, जो जहां रह रहा है उसको स्थानीय स्तर पर अगर उन छोटी दुकानों के साथ में आप चेन बनाने का काम करेंगे ज़्यादा सरल होगा, उनके पास आपको पैसा पहुँचाना और उनके माध्यम से जिस तबके की रोजी रोटी और जिसको रोज़ कमाओ खाओ वाली दशा में जो पहुंच चुके हैं उन लोगों के लिए सही रास्ता निकल सकता है। और आखिरी बात फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, लॉकडाउन करने से हमारे देश में कोरोना वायरस की ना तो चेन को रोका जा सकता है और ना कोरोना को हराया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर जाँच के लिए आप युद्ध स्तर पर कोई और मैकेनिज्म तैयार करें। धन्यवाद।